के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग के साथ रेप करने वाले अभियुक्त जाकिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 376, 342 व पास्को एक्ट के तहत भेजा गया जेल। मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा, जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है एक क्रांतिकारी एक्ट। अधिनियम ने आम आदमी को बनाया शक्तिशाली। शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली में आई पारदर्शिता। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को सचेत कराने सड़क पर पैदल निकले एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता। लोगों से किया हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने की अपील। कहा, नियमों का करें पालन, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई। एनएक्सी भवन सभागार में जन सूचना के अधिकार के तहत आयोजित हुई कार्यशाला। जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को दी गई अधिनियम की जानकारी। मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा, समय से सूचना न देने पर जन सूचना अधिकारी पर लगेगा अर्थदंड। 5 सूत्री मांग को लेकर गैर भाजपा दलों के पार्षद उतरे सड़क पर। नगर निगम से निकला पैदल मार्च। आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। कहा, मांगे पूरी नहीं है तो होगा डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सभी सीओ थाना प्रभारियों व विवेचकों की बैठक। विवेचना के कारण लंबित पड़े मुकदमों को अति शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। नगर निगम आकेंद्रित कर्मचारी संघ के 9 निर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन। नगर आयुक्त रहे मौजूद, महापौर ने दिलाई शपथ। राष्ट्रीय सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कांग्रेस पार्टी की बैठक। संगठन को मजबूत बनाने सहित नए पदाधिकारियों के चयन पर हुई चर्चा। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा। और 30 जून से हजरत मुबारक खां शहीद का 3 दिवसीय उर्स हो रहा है शुरू। हजरत मुबारक खां शहीद बाबा के नाम से हज हाउस बनाने की मुख्यमंत्री से की गई मांग।